हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपस्ता क्लास ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास ट्वेल्थ से मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर आप व्यू। ठीक है मेरे दोस्तों, मैट्रिक्स या मैट्रिसेस कहते हैं सभी चीज़ों में आपको समझाऊंगा। ठीक बात है, तो आप व्यू में हम बात करते हैं, चैप्टर नंबर 3 है आपका प्रश्नावली 3.1 के इंट्रोडक्शन परिचय के बारे में बात करेंगे। मतलब आपका प्रश्नावली 3.1 किस टॉपिक पर आधारित है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक बात है, क्योंकि एक्सरसाइज को सॉल्व करना, प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले आपको उसके बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट प्रश्नावली पर नहीं आएंगे, पहले परिचय देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने टॉपिक को। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए पढ़ना क्या है आपको, आव्यूह पढ़ना है। तो देखो आव्यूह का सबसे पहले हम परिभाषा को समझते हैं। आव्यूह क्या है, एक अरेंजमेंट है संख्याओं का या फलनों का। ठीक है मेरे दोस्तों, अरेंजमेंट का मतलब एक व्यवस्थित क्रम है, संख्याओं का हो सकता है या वो फलनों का हो सकता है। ठीक बात है, पहले हम इस लैंग्वेज को लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कहा आपको कि आव्यूह जो है वो अरेंजमेंट है, एक क्रम है, व्यवस्थित करने का क्रम है, किसका, संख्याओं का या फलनों का। ठीक बात है, जैसे देखिए यहाँ पर 3 लिखा गया, 4, 5, 6, 7, 9, 2, 3, 2। ठीक बात है, इस प्रकार से कोई संख्या लिख दी गई। अब देखो इसको एक आव्यूह, आव्यूह का मतलब आव्यूह का चिन्ह ये होता है। ये क्या है मेरे दोस्तों आपका, इसको मैं ऐसे देखो पूरा एकदम बढ़िया बात में समझाऊंगा। ये जो आपका बड़ा ब्रेकर टाइप का लगा है, देखिए बड़ा ब्रेकर टाइप का लगा है, इसे क्या कहते हैं, आव्यूह का यही चिन्ह है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या है ये, मैं लिख देता हूँ, सभी चीज़ें लिख दूंगा। ठीक बात है, आप क्यों, आपको केवल नोट्स बनाते रहना है। ये आव्यूह का क्या है मेरे दोस्तों, ये आव्यूह का चिन्ह हो जाएगा, ये आव्यूह का क्या है, चिन्ह है। और देखो यहाँ पर लिखा गया संख्याओं का, आव्यूह जो है एक व्यवस्थित क्रम है। देखो जो आपने लिखा है वो व्यवस्थित क्रम में लिखा है, लाइन बाई लाइन लिखा है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पंक्ति। अभी मैं समझाऊंगा, इसे क्या कह देंगे मेरे दोस्तों, इसे कह देंगे, देखो पंक्तियों में सही से लिखा गया है, इसे कह देते हैं मेरे दोस्तों पंक्ति, और इसे कह देते हैं हम स्तंभ। अभी मैं समझाता हूँ। ठीक बात है, पहले लैंग्वेज समझते हैं। आव्यूह क्या है, एक अरेंजमेंट है संख्याओं का, तो संख्या हमने लिख दिया। अब ये जो आपका अरेंजमेंट है फलनों का भी हो सकता है। जैसे फलन क्या हो गया, जैसे फलन में मतलब मान लेते हैं कोई आव्यूह और है आपका, जैसे साइन एक्स, ये सब क्या है, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, ये कॉस एक्स हो गया, ये टैन एक्स हो गया, इस प्रकार से कोई आपका क्या हो जाएगा, एक आव्यूह यहाँ पर भी हो गया। तो आव्यूह इस प्रकार से भी बन सकता है, इस प्रकार से भी बन सकता है, किसी भी प्रकार से बना दें, एक व्यवस्थित क्रम में हो और आप ब्रेकेट लगा दें, तो ये आव्यूह का क्या हो जाता है, चिन्ह हो जाता है। ठीक बात है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो परिभाषा कह रहा था संख्याओं का या फलनों का, तो फलन में आपका साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, या फलन कोई हो गया, एफ ऑफ एक्स फलन हो गया। फलन का मतलब क्या होता है, एक कोई लॉग एक्स हो गया, ये सब क्या है, फलन है मेरे दोस्तों। तो संख्याओं का या फलनों का हो सकता है, ये क्या है आपका, एक आव्यूह है। ठीक बात है, आव्यूह का चिन्ह आपने समझा, ये आव्यूह का चिन्ह है, ये क्या हो जाएगा आपका, आव्यूह का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर जो इसके अंदर संख्याएं लिखी गई हैं या फलन लिखे गए हैं, जैसे यहाँ पर देखो ये 3, 4, 5, 6, 7, 9, 2, 3, 2 लिखा गया है, ये सब क्या है मेरे दोस्तों, ये सभी जो लिखे गए हैं आपके, ये मेरे दोस्तों इसे कहते हैं हम अवयव। मतलब ये जो सभी आपके लिखे गए हैं, सभी संख्याएं, ये 3 संख्या ही नहीं, ये जो सभी संख्याएं लिखी गई हैं इन्हें क्या कहते हैं, अवयव, आव्यूह के अवयव। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, आव्यूह के अवयव, आव्यूह के अवयव कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी जो आपको फलन लिखे गए हैं, ये जो फलन हैं, ये क्या है, ये आव्यूह के अवयव हैं, इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक बात है, अब देखो यहाँ पर मैट्रिक्स की अगर बात आ गई है, तो देखो आव्यूह का, आव्यूह देखो आपको समझा देते हैं सभी चीज़ें, ये आव्यूह है। आव्यूह को कभी 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 आपको मिलेगा मैट्रिक्स, और कभी कभी आपको मिलेगा मैट्रिसेस। ठीक बात है, दोनों मिलेगा, दोनों का मतलब आव्यूह ही होता है, बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। जैसे बॉय बॉयज़, बॉय क्या है, सिंगुलर, एक लड़का है, बॉयज़ कई सारे लड़के हैं, इसी प्रकार से ये चीज़ें कहा गया, वो सिंगुलर में लिखा गया, ये प्लूरल में लिखा गया, सिंगुलर प्लूरल, तो दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है। ठीक बात है, आप समझ गए होंगे, वैसे आप हिंदी माध्यम के हैं तो हिंदी में समझे बढ़िया है, लेकिन अंग्रेजी भी कुछ कुछ आप समझते रहें। ठीक बात है, अब देखिए यहाँ पर जो मेन फंक्शन ये आता है कि ये आव्यूह है। अब देखो ये आव्यूह के अवयव आप समझ गए ना, कि ये सभी क्या हो जाएंगे, अवयव हो जाएंगे, जो सभी संख्याएं लिखी गई हैं, जो फलन लिखे गए हैं, अवयव हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो बात को समझो कि जैसे ये व्यवस्थित क्रम हो गया, अब देखो इन्हें जो है, जो आपका क्षैतिज में लिखा गया ना, ये सब क्या है, क्षैतिज, ये सब क्या है, क्षैतिज पंक्तियाँ हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, पंक्ति कहते हैं।
ये जो आपकी हैं ये सभी क्या हो जाएंगी, पंक्ति। ये क्या हो जाएंगी, पंक्ति, पंक्ति कहलाती हैं। तो इनको कह देते हैं पंक्ति, पंक्ति से दर्शाते हैं। ये भी आपकी पंक्ति ही है, क्या है आपका, पंक्ति ही है। ये भी आपकी क्या हो जाएगी, पंक्ति हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगी, कोई तकलीफ नहीं है। देखो जो यहाँ पर 36 में लिखा गया संख्याएं, ये सभी क्या हो जाती है, पंक्ति कहलाती है। और जो ऊर्ध्वाधर में संख्याएं लिखी गई, ये ऊर्ध्वाधर में संख्याएं लिखी गई हैं, इनको हम कहते हैं स्तंभ। क्या कहते हैं, स्तंभ। ये सभी क्या हैं, स्तंभ हैं। मैं बार बार लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे आपको कन्फर्म हो जाए। ये सभी क्या हैं, स्तंभ हैं। क्या है मेरे दोस्तों, स्तंभ हैं। ठीक बात है, क्या हैं, स्तंभ हैं। अब देखो यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है, जैसे अब ये बार बार आप कहोगे कि पंक्ति है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और समझाता हूँ कि पंक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पंक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं रो। बात को समझो, रो कहते हैं। और स्तंभ को क्या कहते हैं, स्तंभ को हम कहते हैं अंग्रेजी में कॉलम। ठीक बात है, कॉलम कहते हैं। अब देखो इस पंक्ति को शॉर्ट फॉर्म में हम आर लिखते हैं, ठीक बात है। और इस स्तंभ कॉलम को हम लिखते हैं सी। बात को समझ पाए, तो बार बार हम पंक्ति स्तंभ नहीं बोलेंगे, आर बोलेंगे, सी बोलेंगे, तो आप समझ जाएंगे ना। तो यहाँ पर आर बोलेंगे और सी बोलेंगे, ठीक बात है। अब देखो यहाँ पर इस प्रकार से पंक्ति पंक्ति पंक्ति, तो देखो यहाँ पर आप देखो तीन पंक्तियाँ हो गई यहाँ पर, एक दो तीन, तो पंक्ति एक, पंक्ति दो, पंक्ति तीन बोलेंगे, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इसको पंक्ति ना बोल के, पंक्ति ना बोल करके हम क्या कर देते हैं इसे, इसे पंक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रो। तो इसको कह देते हैं रो वन, रो टू, रो तीन। ठीक बात है, इसका मतलब ये तो हुआ पंक्ति एक, पंक्ति दो, पंक्ति तीन, हमने शॉर्ट में लिख दिया। तो इस आप व्यू में कितनी पंक्तियाँ होंगी मेरे दोस्तों, एक दो तीन, तीन पंक्ति हो गई। ठीक बात है। अब देखो जैसे यहाँ पर हमने कहा स्तंभ, स्तंभ को कॉलम से दर्शाते हैं और कॉलम लिखते हैं इंग्लिश में सी से दर्शाते हैं। ठीक बात है। तो मेरे दोस्तों ये जो आपने हिंदी में लिखा है स्तंभ, तो देखो यहाँ पर आप देखेंगे इसको स्तंभ एक लिखेंगे, स्तंभ दो लिखेंगे, स्तंभ तीन लिखेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक बात है। तो हम स्तंभ को इंग्लिश में कहते हैं कॉलम। तो देखो यहाँ पर इसको क्या कह देंगे, देखो ये पहला कॉलम है तो इसको कॉलम वन कह देंगे, यहाँ पर दूसरा कॉलम है तो यहाँ पर कॉलम टू कह देंगे, तीसरा कॉलम है तो इसे कॉलम तीन कह देंगे। ठीक बात है मेरे दोस्तों, आप समझ पाए होंगे मेरी बातों को। अब देखिए यहाँ पर एक बात आता है कि यहाँ पर देखो कितने कॉलम हो गए इस आप व्यू में, कितने कॉलम हैं, तीन कॉलम हैं, एक दो तीन। कितने रो हैं, रो मतलब कितनी पंक्तियाँ हैं। बात को समझो, बार बार पंक्ति नहीं कहा जाएगा, रो कॉलम, रो कॉलम में चलेगा बात। ठीक बात है। कितने रो हैं, दो, तीन रो हैं, एक दो तीन। अब देखो ये तो हो गया रो कॉलम के बारे में जानकारी। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि ये कोई आपका आप व्यू है, आपको बताना है इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं, कितने रो हैं। तो देखो 36 में आप गिन लो, 36 में ये एक हो जाएगा, आर वन से प्रदर्शित कर देंगे, दूसरा ये हो जाएगा आर टू से प्रदर्शित करेंगे, तो दो पंक्तियाँ हैं। ठीक बात है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसी मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं, कॉलम का मतलब स्तंभ। ठीक बात है। तो कितने स्तंभ हैं, देखो एक, ये आपका ऊर्ध्वाधर में देखो कॉलम वन, ये दो कॉलम टू। ठीक बात है। तो कितने स्तंभ हो गए, दो स्तंभ हो गए मेरे प्यारे दोस्तों, एक और दो। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ ऑन है आपका कैमरा या नहीं। हाँ ऑन है, ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो कितने रो कितने हो गए, रो कितने हो गए, दो कॉलम कितने हो गए, दो। तो हमें लगता है कि कोई भी अगर आपको मैट्रिक्स दे दिया जाए आप व्यू, जैसे मैं आपको दे देता हूँ एक आप व्यू और एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाएँ आप, तीन पाँच छः सात नौ आठ, ये हमने आपको आप व्यू दे दिया। आप व्यू आप कोई भी बना सकते हैं किसी भी रो कॉलम का। ठीक बात है। बस एक सिस्टमेटिक वे में, लाइन के नीचे लाइन, ऐसा नहीं भग रहा इधर उधर, नहीं, एक अरेंजमेंट हो। ठीक बात है, व्यवस्थित क्रम में हो। अब देखो मैं आपसे कहता हूँ कि इसमें कितने रो हैं, तो देखो गिनो आप, एक रो क्या हो जाएगा, एक रो हो जाएगा, दो रो, दो रो हो गया, एक तीन रो हो गया, तीन रो आर थ्री लिख देंगे। अब देखो इसमें कितने कॉलम, कॉलम मतलब स्तंभ, कितने स्तंभ हैं, एक पहला लिख देते हैं, कितने ये क्या हो जाएगा, दो कॉलम टू हो जाएगा। तो स्तंभ कितने हो गए, दो हो गए, रो कितने हो गए, तीन हो गए। ठीक बात है। तो रो कॉलम निकालना आप जान सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स दे दिया जाएगा जो आपकी क्षैतिज में है, क्षैतिज में है, इनको क्या कह देंगे, रो कह देंगे, ऊर्ध्वाधर में गिन लेना उनको कॉलम कह देंगे, एक दो तीन चार में डिवाइड कर देना, काम खत्म। ठीक बात है। अब देखो मेन टॉपिक तो ये आता है मेरे दोस्तों, ये तो बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक बात है। मेन चीज़ ये है कि कोई भी आपको आप व्यू दे दिया जाएगा, पूछेगा ये आप व्यू किस कोटि का है, तो आप व्यू की कोटि क्या जानना है आपको, आप व्यू की, आप व्यू की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं अंग्रेजी में। तो आप व्यू की कोटि आपको जाननी है, तो कोई बहुत आसान काम है मेरे दोस्तों, अगर आपने रो कॉलम निकालना सीख लिया तो आप व्यू की कोटि आराम से निकल जाएगी। कैसे, आप ये बताओ कि इसमें इस आप व्यू में, इस आप व्यू में कितने रो, पहले आप क्या देखेंगे, रो, पहले क्या देखेंगे, पंक्ति, फिर स्तंभ, पहले पंक्ति फिर स्तंभ, पहले पंक्ति फिर स्तंभ। ठीक बात है। तो कितनी पंक्तियाँ हैं, एक दो तीन, तीन लिख दो, गुणा का चिन्ह लगाओ। ठीक बात है।
आप स्तंभ देख रहे हैं कितने इस आव्यूह में कितने स्तंभ हैं, एक एक दो तीन तीन, तो यहाँ पर आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी, तीन क्रॉस तीन। ठीक बात है, आव्यूह की कोटि कितनी है, तीन क्रॉस तीन। और यहाँ पर जो आपका मैट्रिक्स का दाहिने साइड में सबसे नीचे यहाँ पर लिखा जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि कितनी है, तीन क्रॉस तीन, तीन क्रॉस तीन ऐसे कहेंगे आप, तीन क्रॉस तीन का आव्यूह है। ठीक बात है, अंग्रेजी में थ्री क्रॉस थ्री, हिंदी में तीन क्रॉस तीन। ठीक बात है, तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर लिखा जाता है तीन क्रॉस तीन का ये आव्यूह है, मतलब आव्यूह की कोटि कितनी है, तीन क्रॉस तीन इस आव्यूह का। ठीक बात है, अब देखो यहाँ पर ये आव्यूह आपके पास है, तो आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि आपको बतानी है इस आव्यूह के लिए। ठीक बात है, तो क्या होता है आपको सबसे पहले क्या पकड़ना है, स्तंभ कितने रो हैं, एक दो, दो रो हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर दो लिख दो, नीचे क्रॉस, मैंने कहा राइट साइड में नीचे। ठीक बात है, दो लिख दो, स्तंभ कितने हैं, स्तंभ कितने गिनो, एक स्तंभ दो स्तंभ, दो क्रॉस दो का ये आव्यूह है, तो आव्यूह की कोटि कितनी होगी, दो क्रॉस दो की कोटि की आव्यूह हो गई। ठीक बात है, यहाँ पर देखो आपको राइट साइड में नीचे देखना है, अब देखो आपको रो सबसे पहले पकड़ना है, रो कितने हैं, एक दो तीन, तीन लिख देना है, क्रॉस का चिन्ह लगाना है, गुणा का। अब देखो कितने, यहाँ पर मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, नहीं तो सभी एक में हो जाएगा ना, मिल जाएगा उसी में। अब देखो यहाँ पर तीन हो गया, तीन कितने हो गए, रो सबसे पहले रो देखना है, अब कॉलम देखना है, कितने कॉलम है, एक दो, तो तीन क्रॉस दो कोटि का ये आव्यूह हो गया। अब देखिए मेरे दोस्तों एक बात समझते हैं कि यहाँ पर हमने कहा इस आव्यूह में, इस आव्यूह में, इस आव्यूह में, थोड़ा सा गड़बड़ नहीं लग रहा है आपको, इस आव्यूह, इस आव्यूह, इस आव्यूह को कोई नाम होता तो बस समझ में आता। ठीक बात है, तो देखो किसी भी आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से हम निरूपित करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब हो गया ए बी सी डी से जड़ तक। ठीक बात है, तो हमने मान लो इस आव्यूह का नाम दे दिया ए, ऐसे दर्श ए बराबर कोई आव्यूह ऐसे ही मिलेगा आपको। ठीक बात है, बी बराबर कोई आव्यूह मान लो दे दिया गया, सी बराबर कोई आव्यूह आपको मान लो दे दिया गया। ठीक बात है, तो आव्यूह को हम किसी भी आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से मैंने आपको दे दिया। अब इस आव्यूह नहीं करना पड़ेगा, अब कहना पड़ेगा आव्यूह ए का, ऐसे अब जैसे कहने का तात्पर्य देखो कि आव्यूह ए का आपको आव्यूह की कोटि बतानी है, तो तीन क्रॉस तीन का हो गया। मैंने आपसे कहा आव्यूह बी आपको दिया गया, इसका कोटि बताओ, दो क्रॉस दो का कोटि हो गया। आव्यूह सी दिया गया, उसका कोटि बताओ, तीन क्रॉस तीन का हो गया, खत्म, तीन क्रॉस दो का हो गया, तीन क्रॉस दो का हो गया, खत्म। ठीक बात है, तो हमें लगता है आव्यूह की कोटि आपको समझ में आई है। अगर देखो आव्यूह की कोटि को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखें, लैंग्वेज के फॉर्म में तो आव्यूह की कोटि क्या होती है कि पहले आपको देखो पहले क्या पंक्तियों, तो यहाँ पर लिखना है आव्यूह की कोटि बराबर होती है, आव्यूह की कोटि बराबर होती है कुल पंक्तियों की संख्या, किसी भी आव्यूह में कुल पंक्तियों की संख्या गुणा, वही क्रॉस, गुणा कुल स्तंभों की संख्या। ठीक बात है मेरे दोस्तों, समझ पाए आप? तो अगर हम आव्यूह ए की बात करें तो कितने पंक्तियां हैं, तीन पंक्तियां हैं, तीन लिख दिया, बराबर का चिन्ह लगाओ, अगर मान लो इसके लिए तीन लिख दिया, कितने कॉलम हैं मतलब कितने स्तंभ हैं, तीन, तीन क्रॉस तीन, तो ये आव्यूह तीन क्रॉस तीन का हो गया। इसी प्रकार से यहाँ भी दो क्रॉस दो का हो गया, इसी प्रकार से यहाँ भी तीन क्रॉस दो का हो गया। हमें लगता है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आव्यूह की कोटि भी। ठीक बात है, अब देखो एक पॉइंट यहाँ पर आता है आव्यूह के अवयव, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था आव्यूह के अवयव। ठीक बात है, आव्यूह के अवयव। ठीक बात है, अब देखो आव्यूह के अवयव, मान लो आपसे किसी ने पूछ लिया कि इस आव्यूह में अवयव बताओ, इस आव्यूह में कितने अवयव, ये सभी जो है ना ये क्या है, अवयव हैं। ठीक बात है, क्या है, अवयव हैं, एलिमेंट हैं। तो मान लो पूछ लिया गया आपसे कि इस आव्यूह में कितने अवयव हैं, तो आप गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, या तीन तीन छः तीन नौ, इस प्रकार से गिनेंगे ना, नहीं गिनना है। देखो कैसे इसमें देखेंगे तो कितने हैं, तीन तीन छः, इस प्रकार से गिनेंगे तो नहीं गिनना, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए। देखिए जो आव्यूह की कोटि है ना तीन क्रॉस तीन, इसी को गणित के फॉर्म में, तीन तिहाई कितना होता है नौ, तीन तिहाई नौ होता है, तो आव्यूह में अवयव हो गए ए, आव्यूह में अवयव हो गए नौ। इसी प्रकार से आव्यूह की कोटि आपको पता है कितना है, दो क्रॉस दो का अवयव निकालना है, क्या निकालना है, बी में अवयव। ठीक बात है, बी आपके अव्यूह में, बी आव्यूह में क्या निकालना है आपको, अवयव निकालने हैं। इन्हीं कोटियाँ जो आपको दो क्रॉस दो का कोटि है, इसको गुणा कर दो, दो दो नहीं चार, चार हो गया ना आव्यूह के अवयव में, एक दो तीन चार, चार हो गया आपका। इसी प्रकार से मैं आपसे कहता हूँ कि इस आव्यूह सी में आपको क्या बताना है, अवयव बताना है, अवयव बताना है, तो आप क्या करेंगे आव्यूह की जो कोटि है उनका गुणा करा दो, तीन दुनाई छः, छः अवयव हो गए, क्यों गिने, दो दो चार दो छः, क्यों गिने, हम कोटि पता है अवयव निकाल ले जाएंगे। ठीक बात है, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि भूलना मत आप। ठीक बात है, तो हमें लगता है कि आपको आव्यूह के बारे में एक नॉलेज पूरा का पूरा प्रॉपर हो गया है, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है। आपने आव्यूह की कोटि निकाला, पहले आपने पंक्ति सीखा, फिर
मतलब पंक्ति सीखा, स्तंभ सीखा निकालना, ठीक बात है। फिर आपने सीखा अवयव की कोटि, फिर आपने सीखा अवयव के अवयव और छोटी बातें जैसे पंक्ति को रो कहते हैं, स्तंभ को कॉलम कहते हैं, आर से दर्शाते हैं, सी से दर्शाते हैं, फल अवयव अरेंजमेंट है संख्याओं या फलों का, देखो सभी चीज़ें मैं आपको याद करा देता हूँ एक दो बार, जैसे कि आपको कोई कहीं पढ़ने की आवश्यकता ना हो फिर, ठीक बात है। अब देखिए एक एक काम आपका और बचता है, अवयव तो हो गया आपको, अवयव समझ में आ गया। अब देखो बात करते हैं, आप जिसे आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में द्विघात समीकरण के व्यापक रूप, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो, ठीक बात है। इसी प्रकार से अवयव का भी व्यापक रूप होता है, उसको भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, कहीं जाने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक बात है। स्क्रीनशॉट या नोट डाउन करना है कर सकते हैं, फिर मैं आपको आगे की बातें बताता हूँ। आइए दोस्तों समझते हैं अवयव के व्यापक रूप के बारे में। देखिए हमने मान लिया कि हमारे पास कोई अवयव ए है, ठीक बात है। देखिए ये व्यापक रूप अगर मैं स्टार्टिंग में ही बता देता ना तो आप समझ ना पाते, पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन अब आपको समझ में आएगा। जैसे अगर मान लो आपने किसी अवयव को ए मान लिया तो इसके जो अवयव लिखे जाते हैं ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, डॉट 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 कहाँ तक, ए वन एन तक, ठीक बात है। मतलब यहाँ पर जैसे आपका अगर आप क्या लिख रहे हैं, पंक्ति लिख रहे हैं, तो हम मान लेते हैं एन पंक्ति तक, आप कितना भी बड़ा अवयव बना लें, फिर आप क्रॉस में आप अवयव के कोटि अवयव निकाल सकते हैं उस प्रकार से, ठीक बात है। तो हमने मान लिया एन तक आपका क्या जा रहा है, आपका रो जा रहा है, ठीक बात है मेरे दोस्तों। अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक बात है। अब जैसे यहाँ पर दूसरे में आएंगे, दूसरे अगर किस में आएंगे, अगर इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो दूसरे किस में आएंगे, आप पंक्ति में आएंगे, तो इसको ए टू वन, ए टू टू ये दिख रहा है आपको, ए टू टू से दर्शाएंगे, ए टू थ्री से, डॉट 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 कहाँ तक मेरे दोस्तों, ए टू एन तक। यहाँ पर आप देखेंगे तो ए थ्री वन, ए थ्री टू, ये क्या चल रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी समझ में आएगा आपको, ए थ्री थ्री डॉट 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 कहाँ तक, ए थ्री एन तक, ठीक बात है। अब जैसे मान लो ये आपका क्या था, कोई अवयव था, ठीक बात है, क्या था मेरे दोस्तों, अवयव था, ये आपका कोई अवयव था। अब मान लेते हैं डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है, ये जो आपका कॉलम है, क्या ये आपका क्या कॉलम है, कॉलम है, ठीक बात है। कॉलम कहाँ तक जा रहा है, मान लो ए वन, ए एम वन तक, और इधर आपका जो आपका हो जाएगा इधर रो, अगर आप लेकर जाएंगे तो रो को हम लिख देते हैं ए एम एन, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, ए एम एन वाई एलिमेंट, ठीक बात है। अभी आपको कुछ कब समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको अभी समझा देता हूँ, ठीक बात है। कैसे देखो, जी आपका ए वन वन लिखा गया है ना, ए वन वन, ये किसे प्रदर्शित करता है, आईवा रो, आईवा रो को प्रदर्शित करता है, इसे किस, ये किसे प्रदर्शित करता है, जेवा कॉलम, ये जेवा कॉलम को प्रदर्शित करता है, ठीक बात है। तो यहाँ पर एक 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 एक, इसका मतलब हो गया कि पहला रो, इसका मतलब हो गया पहला रो, ठीक बात है। यहाँ पर देखो दो 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 तक, कहाँ तक, ये दूसरा रो हो जाएगा, ठीक बात है। तीन 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 तीन, क्या तीसरा रो हो जाएगा, ठीक बात है। इसी प्रकार से डॉट डॉट करते चलता जाएगा। मान लो कोई बड़ा अवयव बना रहे हैं आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो एम किसको दर्शित, किसको प्रदर्शित करेगा, एम किसको प्रदर्शित करेगा मेरे दोस्तों, तो रो को प्रदर्शित करेगा, रो को प्रदर्शित करेगा। मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये पंक्ति को हम किससे दर्शाते हैं, पंक्ति को हम दर्शाते हैं किससे, एम से, ठीक बात है। पंक्ति को किससे दर्शाएंगे, एम से दर्शाएंगे। अब देखो जो आपका मैंने कहा कि आई, आई जो पहला आपका होगा क्या होगा, देखो ए वन, ए वन लिया हमने, ए वन वन आपका एलिमेंट पहला वाला लिया अगर मान लो, तो ये आर पहला वाला वन किसको दर्शाएगा, रो को, और दूसरा वाला जो आपका लिखा जाएगा वो कॉलम को दर्शाएगा, ठीक बात है। तो यहाँ पर आप देखो वन पहला क्या हो जाएगा, एक दो, तो यहाँ पर देखो पहला कॉलम, कॉलम तो इस प्रकार से होगा ना, तो पहला कॉलम पहला कॉलम पहला कॉलम पहला कॉलम, दूसरा कॉलम दूसरा कॉलम दूसरा कॉलम चल रहा है, तीसरा कॉलम ये, तीसरा कॉलम तीसरा कॉलम ये, ठीक बात है। चौथा चौथा ये आपका क्या है, एनवा कॉलम, एनवा कॉलम, ठीक बात है। तो एनवा कॉलम एनवा कॉलम, देखो एनवा कॉलम एनवा कॉलम, ठीक बात है। तो यहाँ पर जो आपका कॉलम हो जाएगा, कॉलम मतलब स्तंभ, स्तंभ को किससे प्रदर्शित करेंगे, स्तंभ को हम प्रदर्शित करते हैं एन से, ठीक बात है। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर क्या लिखा जाता है, अवयव की कोटि, क्या लिखी जाती है मेरे दोस्तों, अवयव की कोटि। तो अवयव की कोटि क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, अवयव की कोटि कहलाता है कुल पंक्तियों की संख्या गुणा कुल स्तंभों की संख्या। तो इसमें कितने पंक्ति हैं, कितने पंक्ति हैं, एम पंक्ति हैं, एम पंक्ति हैं, क्रॉस यहाँ पर लिखा जाता है अवयव की कोटि। कुल स्तंभों की संख्या, स्तंभ कितने हैं, एन। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो यहाँ पर एम है ये क्या है, पंक्ति को दर्शा रहा है, और जो आपका एन है ये किसे दर्शा रहा है, आपके स्तंभ को दर्शा रहा है, ठीक बात है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर आपका अवयव की कोटि एम क्रॉस एन से प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ पर आपका अवयव की कोटि क्या होगी, एम क्रॉस एन। मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ कि ये जो आपका एम है, ये एम जो है ये आपका रो, रो को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब स्तंभ पंक्ति को,
पंक्ति को, और ये जो n है आपका ये कॉलम को प्रदर्शित कर रहा है, फिर से लिख देता हूँ आपको पता रहे, स्तंभ को प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो m क्रॉस n लिखा गया है यही आपका आव्यूह की कोटि है यहाँ पर, आव्यूह की कोटि है यहाँ पर। तो आव्यूह में m जो होगा वो पंक्ति कहलाएगा और जो n होगा वो स्तंभ कहलाएगा, ठीक बात है। अब देखिए इसका व्यापक रूप जो है ना, जैसे आप एक सिस्टमेटिक वे में लिखा जाता है व्यापक रूप इस आव्यूह ए का, ठीक बात, कैसे लिखा जाएगा, ए आई जे या आव्यूह का चिन्ह लगाएंगे और कोटि लिख देंगे m क्रॉस n। अब देखो यहाँ पर जो आपका आई है वो आई जो है इसे कहते हैं आईवां पंक्ति, और ये जो आपका जे है इसे कह देते हैं जेवां स्तंभ, क्या कह देते हैं, जेवां स्तंभ, बात को समझो। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये आईवां पंक्ति, मतलब तो अगर मैं आपको एलिमेंट ले लेता हूँ ए दो एक, इसका मतलब क्या हो गया, दूसरा पंक्ति और पहला कॉलम, तो दूसरा पंक्ति और पहला कॉलम देखो, तो दूसरा पंक्ति आपका क्या है, ये यहाँ पर जब आप ऐसे क्रॉस लगाओ देखो दूसरा पंक्ति हो गया, मैंने कहा आई, यहाँ पर देखो हमने कौन सा एलिमेंट लिया A21, अगर मैं आपसे कह देता हूँ A21 देखो तो इसका मतलब क्या हो गया, दूसरा पंक्ति पहला कॉलम, तो दूसरा पंक्ति आपने लाइन लगाया पहला कॉलम में आपको जाना, पहला कॉलम आपका ये हो जाएगा यहाँ पर, ये दोनों कट कहाँ पर कर रहे हैं, देखो यहाँ पर यही आपका A21 हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 3 4 6 9 5 4 3 2 1, इस प्रकार से मैंने कोई एग्जांपल ले लिया। अब इसके अवयव क्या हैं, अवयव आप मतलब आपके आव्यूह की कोटि क्या है, 3 क्रॉस 3, 1 2 3 3 रो 3 कॉलम। मैं आपसे कहता हूं कि आप बताइए A31 प्लेस का अवयव बताइए आप A32। तो मैंने आपसे कहा कि तीन को पहले को क्या प्रदर्शित करते हैं, पहले को हम आईवां रो, ठीक बात है, दूसरे को जेवां कॉलम, इस प्रकार से, तो मतलब तीसरा क्या हो जाएगा, रो, तीसरे रो में आपको जाना है, तो तीसरा रो आपका ये हो जाएगा, लाइन खींच दो, तीसरा रो हो गया, ठीक बात है। अब देखो जेवां कॉलम तो मतलब दूसरा स्तंभ क्या है आपका, ये दूसरा स्तंभ यही तो है आपका, दूसरा स्तंभ यही तो है, ये दोनों देखो दोनों लाइनें कहाँ पर काट रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं, तो A32 प्लेस का अवयव क्या हो गया मेरे दोस्तों, दो हो गया। तो इस प्रकार से आप अवयव भी निकाल सकते हैं, अगर आपको कभी दे दिया जाए तो आप निकाल सकते हैं किसी भी आव्यूह का अवयव। अगर मान लो आपसे इसी प्रकार से कह दिया जाए कि A23 प्लेस का आपको अवयव बताना है, तो पहला क्या प्रदर्शित करता है, रो को, दूसरा कॉलम को, तो दूसरे रो में आपको जाना है, ठीक बात है, किसमें, दूसरे रो में, तो दूसरा रो कहाँ पर है, ये है आपका दूसरा रो, आप लाइन खींच दें, दूसरा रो हो गया, ठीक बात है। तीसरे कॉलम में आपको जाना है, तीसरा कॉलम क्या हो गया, 1 2 3, तीसरा कॉलम ये हो गया। अब देखो यहाँ पर इसने कट किया तो क्या था, 4 था आपका, तो A23 प्लेस का अवयव कितना हो गया, 4 हो गया। तो आपको लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हैं, A32 मतलब तीसरे रो दूसरा कॉलम, तीसरे रो में जाओ दूसरे कॉलम पे जाओ, यहाँ पर कट कर देगा, ये दो आपका अवयव हो गया। इसी प्रकार से A23 में आपको जाना है तो दूसरा रो ये हो गया, और तीसरा कॉलम में ये आप लाइन खींच देंगे तो कट यहाँ पर करेगा, दोनों लाइन देखो कहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर 4 एलिमेंट हो गया, यहाँ पर कहाँ पर कट कर रही है, दो पर एलिमेंट हो गया। तो इस प्रकार से आप किसी भी आव्यूह के अवयव को भी आप निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक बात है। आपको ऐसे कोई आव्यूह दे देगा, 3-4 से आपको दे देंगे, A23 प्लेस का अवयव निकालो, A32 प्लेस का अवयव निकालो, A21 प्लेस का अवयव निकालो, ऐसे दे देगा तो आपको निकालना पड़ेगा अवयव की, इसके अवयव ये प्रकार से हैं, ठीक बात है। तो मैंने व्यापक रूप दिखाया कि ए कोई अगर आपके पास आव्यूह है तो इसको AIJ, आई क्या होता है, आईवां पंक्ति, जे क्या होता है, जेवां कॉलम, ये एम क्रॉस एन क्या है मेरे दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया एम क्या है पंक्ति, एन क्या है कॉलम, ठीक बात है। तो हमें लगता है आपको समझ में आया होगा ये व्यापक रूप भी, ठीक बात है। इसका आप स्क्रीनशॉट या आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लें, फिर हम बात करते हैं इसके प्रकार, आव्यूह के प्रकार के बारे में, ठीक बात है, तो नोट कर लें इसे। आइए दोस्तों आव्यूह के प्रकार के बारे में समझते हैं, तो देखो आव्यूह के प्रकार के बारे में वन बाय वन समझेंगे, ठीक बात है। पहला आपका है स्तंभ आव्यूह, ठीक बात है, क्या है आपका स्तंभ आव्यूह, समझते हैं स्तंभ आव्यूह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक बात है, स्तंभ आव्यूह, तो हिंदी माध्यम से है तो हम हिंदी में समझेंगे। स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं, देखो परिभाषा भी मैं आपको लिख देता हूँ, हालांकि इसका कोई यूज नहीं है आव्यूह के प्रकार का, लेकिन मैं बता रहा हूँ तो कंप्लीट पढ़ाऊंगा, ठीक बात है। एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह में एक आव्यूह जिसमें केवल
एक स्तंभ हो, ठीक बात है, क्या हो, एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। थोड़ा सा शॉर्ट में ही लिखेंगे, एक स्तंभ हो, फिर आप समझ जाना इसके बाद स्तंभ आव्यूह कहलाता है लिखा जाएगा, ठीक बात है। तो स्तंभ आव्यूह में आपको समझ में आए कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, बात खत्म, ठीक बात है। जैसे हमने मान लो एग्जाम्पल के थ्रू एक आव्यूह ले लिया जिसमें केवल केवल आपको एक स्तंभ दिखाना है, कॉलम कई सारे हो सकते हैं, ठीक बात है। तो यहाँ पर आपका स्तंभ में क्या हो जाएगा, जैसे स्तंभ बना लो, यहाँ पर एक कोई एलिमेंट भर दो, 3, 4, 5, तो यहाँ पर आप देख पाए रो कितने हैं, रो देखो 1, 2, 3, 3 रो हैं। स्तंभ कॉलम, कॉलम कितने हैं, एक, केवल और केवल एक, तो 3 × 1 का क्या हो गया मेरे दोस्तों, ये एक स्तंभ आव्यूह हो गया। मतलब आपको ऐसा आव्यूह बनाना है जिसमें, जैसे मान लो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊँ, 3, 5, अब देखो इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें देखो 1, 2 रो हैं आपको, लेकिन स्तंभ आप देखेंगे, कॉलम देखेंगे तो केवल और केवल एक ही है। तो आपको एक ऐसा आव्यूह बनाना है जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो, वो आपका स्तंभ आव्यूह कहलाएगा, बात क्लियर है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको ये समझाया, तो एक आव्यूह मैंने ले लिया, इसमें केवल केवल एक स्तंभ है, ठीक बात है। तो ये आपका हो जाएगा कि आव्यूह ए जो है वो एक 3 × 1 का स्तंभ आव्यूह है। अब इसको व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे, तो ए बराबर अब ए से प्रदर्शित कराया तो यहाँ भाई ए ही लिखेंगे, तो ए आई जे मतलब आई वन रो जे में कॉलम में आपका जो आव्यूह का कोटि होना चाहिए, मतलब एक व्यापक रूप में वो देखो, आप देखो हम रो को किससे दर्शाते हैं, एम, और इसे किससे दर्शाते हैं, कॉलम को एन से, ठीक बात है। तो ये आपका हो जाएगा एम क्रॉस एन, व्यापक रूप में अगर आप लिखोगे तो समझो, व्यापक रूप में अगर आप लिखोगे तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा स्तंभ आव्यूह को, ए बराबर ए आई जे यहाँ पर m क्रॉस 1, क्योंकि आपका जो रो है वो चेंज होगा। यहाँ पर देखो 3 एलिमेंट, यहाँ पर 3 था, कितने थे, कितने रो थे, 3 रो थे, यहाँ पर 2, अगर 5 मैं लिख दूँ तो यहाँ पर कितने रो हैं, 2 रो हैं, तो रो चेंज हो सकता है, ठीक बात है। और बड़ा बना लो आप, 4, 6, 9, 8 कितने रो हो गए, 1, 2, 3, 4 रो हो गए, लेकिन स्तंभ केवल कितने हैं, एक हैं। तो एक ऐसा भी जिसमें केवल एक स्तंभ हो, ठीक बात है। तो हमेशा स्तंभ एक होना चाहिए, रो आपके परिवर्तित हो सकते हैं। तो व्यापक रूप में ए बराबर ए आई जे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एम क्रॉस 1, एम किसको प्रदर्शित करता है, रो को, ठीक बात है। और एक हमेशा आपका कॉलम ही रहेगा, स्तंभ ही रहना चाहिए, ठीक बात है। तो हमें लगता है कि स्तंभ आव्यूह आपको समझ में आया है, स्क्रीन शॉट ले लें, एक एक मैं आपको समझाऊँगा, ठीक बात है। आइए दोस्तों दूसरा समझते हैं, दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों, देखो अगर आपने स्तंभ पढ़ा तो पंक्ति के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर अब दूसरा आपका आ जाएगा पंक्ति आव्यूह, क्या, पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह किसे कहेंगे, इसको भी समझना जरूरी है, ठीक बात है। पंक्ति आव्यूह अंग्रेजी में कहेंगे क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स, ठीक बात है। पंक्ति आव्यूह कैसे किसे कहते हैं, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, काम खत्म, ऐसा आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह, मैं आपको केवल समझाने के लिए लिख देता हूँ, ठीक बात है। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, बस बात खत्म, एक पंक्ति हो, आप लिख लेना, स्तंभ आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है, बात खत्म, ठीक बात है। एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह पहला वाला, एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। जैसा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैंने दोस्तों में एग्जाम्पल ले लिया, मैंने मान लो कि ए बराबर कोई हमारे पास एक आव्यूह है, हमें क्या करना है कि पंक्ति को एक रखना है, केवल केवल एक पंक्ति हो, बात खत्म, ठीक बात है। तो देखो 4, 9, 6 जैसे √5 इस प्रकार से हमने कोई एक आव्यूह अगर मैंने ले लिया, आव्यूह मैंने क्या ले लिया, तो देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पंक्ति ही तो देखते हैं, तो एक पंक्ति होना चाहिए, एक पंक्ति होना चाहिए, तो देखो एक ही पंक्ति है, लेकिन अगर आप कॉलम देखोगे, स्तंभ देखोगे, तो 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 स्तंभ, तो 1 × 4, तो ये जो आपका आव्यूह ए है ये 1 × 4 का एक पंक्ति आव्यूह है। व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे, अगर आप व्यापक रूप की बात करेंगे, तो ये ए से दर्शाए हैं आप, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे ए आई जे। अच्छा हम पहले किसको दर्शाते हैं, पंक्ति को किससे दर्शाते हैं, एम, कॉलम किससे दर्शाते हैं, एन। तो देखो आपका एन तो चेंज होता रहेगा, जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ पर एक बना दिया 1, 2, 3, ये भी आपका क्या है, एक पंक्ति आव्यूह है। देखो एक पंक्ति केवल और केवल है, स्तंभ देखो 1, 2, 3, 3 स्तंभ है, तो 1 × 3 का हो गया। जैसे मैंने एक यहाँ पर बना दिया 1, 5,
एक और पाँच, क्या बना दिया, एक और छः ले लो, एक और छः मैंने ले लिया, कितनी पंक्ति है यहाँ पर, कितनी पंक्ति हैं, एक आदमी मैंने आपको बनाया, कितनी पंक्ति है, एक, स्तंभ कितने हैं, दो, एक क्रॉस दो का हो गया मेरे दोस्तों। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ कैमरा ऑन है या नहीं, क्योंकि मैं कभी कभी क्या होता है ना, बंद हो जाता है, ठीक है, तो लेक्चर चलता रहेगा, वीडियो बंद हो जाएगा, तो बाद में पता चलेगा यार ये तो पढ़ा दिया, फिर से पढ़ाना पड़ता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है हम लोगों के साथ, ठीक बात है। तो यहाँ पर देखो, मैंने कहा कि ये आपका क्या है, एक क्रॉस चार का, एक क्रॉस तीन का, एक क्रॉस दो का, मतलब आप समझ पाए, मतलब समझ पाइए कि आपका जो पंक्ति है वो स्थिर रहेगा, मतलब आपका हमेशा एक होना चाहिए, लेकिन जो आपका कॉलम है एन कॉलम, वो चेंज होता रहेगा, चार का बनाओ, तीन का बनाए आपने, दो का बनाए, पाँच का बनाओ, दस का बनाओ, बीस का बनाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसे बड़ा सा आप बना दो कोई, आप जो एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक बात है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे केवल केवल क्या है, एक पंक्ति है, अगर स्तंभ देखेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात स्तंभ हैं, तो मतलब आपका स्तंभ चेंज होता रहेगा, तो हम एक गुणे एन लिख सकते हैं, मतलब एन आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका जो पंक्ति है वो हमेशा एक होना चाहिए, ठीक बात है। तो ये आपका क्या हो गया मेरे दोस्तों, व्यापक रूप हो गया, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है, तो व्यापक रूप ये हो गया मेरे दोस्तों, कहीं पूछा नहीं जाएगा आपका, पेपर में भी काम नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपके सिलेबस में तो बताना जरूरी है, ठीक बात है। तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम इसके बाद का आव्यूह देखते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं, तीसरा आपका है मेरे दोस्तों, तीसरा क्या है आपका, तीसरा आपका है, थर्ड है आपका वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक बात है, वर्ग आव्यूह, ठीक है मेरे दोस्तों। तो वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, आइए समझते हैं, वर्ग आव्यूह मेरे दोस्तों किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका डेफिनेशन, एक ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह, या ऐसे लिख देते, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, एक ऐसा आव्यूह आपको लेना है जिसमें पंक्तियों की संख्या, कुल पंक्तियों की संख्या, कुल पंक्तियों की संख्या बराबर कुल स्तंभों की संख्या, कुल स्तंभों की संख्या, बात खत्म, कुल स्तंभों की संख्या मेरे दोस्तों, ठीक बात है, कुल स्तंभों की संख्या, ठीक बात है। जैसे यहाँ पर पंक्तियों के किससे दर्शाते हैं, पंक्तियों को दर्शाते हैं एन से, बराबर स्तंभों के किससे दर्शाते हैं एन से, तो आपको ऐसा कोई आव्यूह बनाना है ना जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर हो, बात खत्म। जैसे यहाँ पर तीन क्रॉस दो था, अलग अलग था, ऐसा कोई आव्यूह बनाओ जिसमें पंक्ति स्तंभ दोनों बराबर हों। जैसे देखो, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मान लो ए बराबर हमने कोई आव्यूह बनाया, ए बराबर कोई हमने आव्यूह बनाया, उस आव्यूह का नाम दे दिया तीन, मतलब एलिमेंट हैं पाँच छः सात पाँच चार तीन दो, ऐसा कोई आव्यूह बनाओ जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर हैं। देखो एक दो तीन, तीन पंक्ति इसमें हैं, एक दो तीन, तीन कॉलम इसमें हैं, बात खत्म। तो आपको ऐसा कोई आव्यूह बनाना है जिसमें पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या की हो, तो ऐसे आव्यूह को हम कहते हैं वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा एक आव्यूह आपका और है, दो दो, मतलब दो तीन कोई एलिमेंट ले लो, दो दो ही ले लो, दो दो चार छः। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक दो, दो क्या हैं आपके रो हैं, एक दो, दो क्या हैं कॉलम, दो क्रॉस दो, तो ये भी आपका वर्ग आव्यूह ही कहलाएगा, ठीक बात है। बस सिंपल सा लैंग्वेज है कि ऐसा आव्यूह जिसमें कुल पंक्तियों की संख्या बराबर कुल स्तंभों की संख्या हो जाए, या ऐसे कर सकते हैं पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या के है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वर्ग आव्यूह हो जाएगा। व्यापक रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं, व्यापक रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं ए बराबर ए आई जे, ए आई जे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, एम क्रॉस एन, ऐसे तो लिखा जाता है आव्यूह कोटि, क्या हो जाएगा माफ करना, पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्तियों की संख्या आव्यूह की कोटि क्या होती है, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, एम क्रॉस एन हो गया। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे हो, गौर करिए कि यहाँ पर एम बराबर एन के है, इसका मतलब हम एम को एन लिख सकते हैं या एन को एम लिख सकते हैं। तो जो एन है ना, एन है ना, इसको हम एम एम तो लिख सकते हैं ना, तो इसको आप एम क्रॉस एन भी लिख सकते हैं, या इसकी जगह पे आप एन क्रॉस एन भी लिख सकते हैं, मतलब जब दोनों बराबर हैं तो आप बराबर लिख सकते हैं। तो इसका व्यापक रूप इस प्रकार से लिख सकते हैं आप कि ए बराबर ए आई जे, इसमें आपका हो जाएगा कोटि किसकी हो जाएगी, एम क्रॉस एम कोटि का एक वर्ग आव्यूह ये कहलाएगा, ठीक बात है। तो व्यापक रूप आपका ये हो गया, तो हमें लगता है आपको वर्ग आव्यूह भी आपको समझ में आया होगा, ठीक बात है, नोट कर सकते हैं इसे आप। देखिए दोस्तों, वर्ग आव्यूह ही चल रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि वर्ग आव्यूह में ही देखो आपको डायगोनल, डायगोनल देखना, डायगोनल मतलब क्या होता है, विकर्ण, ठीक बात है, विकर्ण की बात हम करते हैं, विकर्ण, ठीक बात है,
तो यहाँ पर विकर्ण आपको देखना है, तो विकर्ण क्या होता है, एक डायगोनल विकर्ण टाइप का, ठीक बात है। तो देखो ये जो आपके तिरछा एक लाइन खींच दो ऐसे ऐसे, ठीक बात है। देखो जिस लाइन में तीनों एलिमेंट आ गए, देखो एक दो तीन, तो यही मेरे दोस्तों आपका क्या होता है, आव्यूह का विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। अगर मान लो यहाँ खींचना चाहो तो एक एक दो तीन नहीं मिला ना, जैसे यहाँ पर अगर आप विकर्ण खींचना चाहो, देखो यहाँ पर अगर दो क्रॉस दो का है तो विकर्ण मिलेगा आपका, ठीक बात है। तो आव्यूह के विकर्ण यही कहलाते हैं, जो मिडिल वाले से एक लाइन खींच दो ऊपर से नीचे तक, तीनों एलिमेंट अगर आपके आ गए तो तीन क्रॉस तीन का ये विकर्ण आव्यूह कहलाएगा, ठीक कहलाएगा। तो विकर्ण आपका क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि विकर्ण क्या है, तो ये आव्यूह के विकर्ण है तीन सात दो, तो आपके एलिमेंट हो जाएंगे आव्यूह के विकर्ण के एलिमेंट तीन सात दो। अगर हम यहाँ की बात करेंगे, ये दो क्रॉस दो का आव्यूह है, तो एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, माफ़ करना, विकर्ण की अगर हम बात करते हैं, विकर्ण की अगर हम बात करते हैं, तो विकर्ण के अवयव ये हैं दो और छः, ठीक बात है। तो आव्यूह के विकर्ण आप समझ पाए, अभी विकर्ण आव्यूह के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन विकर्ण की अगर हम बात करते हैं तो विकर्ण आपका ये होता है डायगोनल, डायगोनल, ठीक बात है। ये आपके विकर्ण है, ये आपके विकर्ण है, ठीक बात है मेरे दोस्तों, नोट कर लें इसे आप। आइए दोस्तों समझते हैं विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने आपको पूरा डिफाइन करके लिख दिया है। एक वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एम विकर्ण आव्यूह कहलाता है, ठीक है। पहली शर्त यह है कि विकर्ण आव्यूह के लिए वर्ग आव्यूह होना आवश्यक है, ठीक बात है। वर्ग आव्यूह में ही विकर्ण आपको मिलेगा, अदर कोई आव्यूह अगर आपके पास है तो विकर्ण नहीं मिलेगा। तो पहला शर्त हो गया वर्ग आव्यूह। और देखो मैंने वर्ग आव्यूह का व्यापक रूप भी बताया था, वर्ग आव्यूह का व्यापक रूप ए आई जे एम क्रॉस एम, मतलब रो कॉलम बराबर होगा तभी वर्ग आव्यूह कहलाएगा, तो व्यापक रूप मैंने यही बताया था। अब कह रहा है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके सभी अवयव शून्य हों तभी क्या होगा, विकर्ण आव्यूह होगा। मतलब विकर्ण के अवयव को छोड़ो, विकर्ण के अवयव शून्य ना हो, विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो तभी आपका क्या कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। अर्थात ए आई जे एम क्रॉस है, मतलब एक आव्यूह आपके पास है वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह ही कहलाएगा। यदि ए आई जे बराबर जीरो, ए आई जे बराबर जीरो है जब आई और जे बराबर नहीं है, इसका मतलब आप समझ पाए, बहुत बड़ी बात है ये। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू कह रहा है कि एक वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह होना चाहिए, वर्ग आव्यूह आपका हो जाए जैसे दो चार छः पाँच छः सात नौ आठ पाँच, इस प्रकार से कोई आपके पास वर्ग आव्यूह है ना, एक दो तीन, तीन क्या है आपके रो हैं, एक दो तीन, तीन क्या है आपके अवयव हैं। अब देखो लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, एक आपके पास वर्ग आव्यूह, ठीक बात है, कहा क्या गया है कि विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य होने चाहिए। तो देखो मैंने आपको बताया था कि विकर्ण आपका यही होता है ना, मैंने आपको विकर्ण के बारे में बताया। अब देखो विकर्ण आव्यूह पढ़ रहे हैं तो फिर से मैं बता देता हूँ कि ये जो आपके हैं यही आपके विकर्ण कहलाते हैं, जहाँ पर आपको तीनों एलिमेंट मिल जाएं। तो वर्ग आव्यूह में ही आपको विकर्ण मिलेगा, तो तीनों एलिमेंट आपको एक लाइन में मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो, मतलब ये सभी क्या होने चाहिए मेरे दोस्तों, शून्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तो ये सभी को आपको क्या करना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा, तभी क्या होगा मेरे दोस्तों, विकर्ण आव्यूह बनेगा, ठीक बात है। तो विकर्ण आव्यूह क्या हो गया कि डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़ करके सभी अवयव शून्य हो, तो डायगोनल आपका ये हो गया, तो ये आपका हो गया विकर्ण आव्यूह, ठीक बात है। जैसे देखो अब वर्ग आव्यूह कोई बनाओ, वर्ग आव्यूह बनाना पड़ेगा, तो ये भी आपका वर्ग आव्यूह है, दो चार छः आठ, इस प्रकार से देखो दो क्रॉस दो का वर्ग आव्यूह है, दो क्रॉस दो का वर्ग आव्यूह हो गया, ठीक बात है। अब देखो यहाँ पर डायगोनल आपका यही हो जाएगा, डायगोनल आपका ये हो जाएगा, देखो ये डायगोनल होगा जहाँ पर आपके एलिमेंट सभी मिल जाएं। तो देखो तीन क्रॉस तीन में तीन आपको एलिमेंट मिलेंगे, दो में आपको दो एलिमेंट मिलेंगे, ठीक बात है। कह रहा है कि विकर्ण के अंदर सभी अवयव शून्य होने चाहिए, मतलब ये भी आपका शून्य होना चाहिए और ये अवयव भी आपका शून्य होना चाहिए। तो ये सभी क्या है आपके मेरे दोस्तों, ये आपका मान लो ए आव्यूह है, ये मान लो आपके पास बी आव्यूह है। अब यहाँ पर मान लो देखो ये भी वर्ग आव्यूह कहलाएगा, ये भी वर्ग आव्यूह कहलाएगा। देखो यहाँ पर एक ऐसे मान लो कोई एलिमेंट लिख दो तीन, तो इसमें भी ये भी आपका वर्ग आव्यूह है, एक रो और एक कॉलम, तो ये भी आपका वर्ग आव्यूह है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि है ही नहीं, पढ़ना ही नहीं इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि वर्ग आव्यूह है मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पर एक बड़ी बात लिखी गई है कि ए आई जे बराबर जीरो, ठीक बात है। देखो कोई भी आव्यूह है ना आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक आव्यूह दो क्रॉस दो का है, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, ठीक बात है, क्या लिखेंगे ए टू टू, ठीक बात है, ए टू वन ए टू टू। तो ए वन वन मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसका मतलब ये हो गया। अगर एक दो क्रॉस दो का आप व्यू बनाना है आपको अपने लैंग्वेज में, तो आप इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक बात है। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि आई जे ए आई जे बराबर जीरो तो होना चाहिए, ठीक बात है, लेकिन जहाँ आई और जे अगर जहाँ बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक बात है। देखो यहाँ पर आई जे क्या हो गया, आई जे अगर आपके आई जे क्या है बराबर है, मतलब एक एक दोनों बराबर है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक बात है। तो
तो यहाँ पर देखो एलिमेंट जीरो नहीं हुआ। यहाँ पर देखो आई जे क्या है बराबर है, आई जे क्या है बराबर है, यहाँ भी बराबर था तो ये वाला एलिमेंट भी आपका जीरो नहीं हुआ। बाकी सभी एलिमेंट आप जीरो कर लो, ठीक बात है। मतलब ये एलिमेंट भी आपका जीरो होना चाहिए तभी विकर्ण बनेगा, ये भी आपका जीरो होना चाहिए, ये भी आपका जीरो होना चाहिए। जैसे यहाँ पर तीन क्रॉस तीन का अगर हम बनाते हैं तो इस प्रकार से बनता है ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री, ठीक बात है। इसका मतलब क्या हो गया, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक बात है। इसका मतलब ये होता है, ठीक बात है। कोई अगर आपको वर्ग आव्यूह बनाना है तीन क्रॉस तीन का तो आपका ये एक व्यापक रूप में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जहाँ पर आई जे बराबर हो वहाँ जीरो ना हो और सभी जगह जीरो हो, ठीक बात है। यहाँ पर देखो आई जे बराबर है जीरो नहीं हो सकता, यहाँ आई जे बराबर है जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पर आई जे बराबर है जीरो नहीं हो सकता, इसके बाद और कहीं आपके आई जे बराबर है नहीं, तो ये सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, ये सभी क्या होने चाहिए मेरे दोस्तों, जीरो जीरो जीरो, तभी आपका क्या बनेगा एक विकर्ण आव्यूह बनेगा, जीरो जीरो, ये भी आपका क्या होगा जीरो, तभी देखो ये विकर्ण आव्यूह बन जाएगा, ठीक बात है। आई जे बराबर है, आई जे बराबर है, आई जे बराबर है मेरे दोस्तों, इससे तगड़ा कोई समझाएगा नहीं आपको, ठीक बात है। आप कहीं भी देख लेना, 15 मिनट में आपके परिचय खत्म करेंगे, आधा घंटा में एक्सरसाइज देख लेना आप, ठीक बात है। तो ये आपका हो गया विकर्ण आव्यूह, इसको नोट कर लें फिर आगे की बातें बताते हैं आपको। आइए दोस्तों पांचवा नंबर समझते हैं, अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स, एक विकर्ण आव्यूह। देखो अदिश आव्यूह के लिए विकर्ण आव्यूह होना चाहिए और विकर्ण आव्यूह के लिए वर्ग आव्यूह होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर तीनों चीज़ें छुपी हुई हैं अदिश आव्यूह में, कि वर्ग आव्यूह भी हो, विकर्ण आव्यूह भी हो और आपका विकर्ण आव्यूह, तब जाकर के अदिश आव्यूह पर आ पाएंगे, ठीक बात है। शॉर्ट में कहा गया ये चीज़ें, नहीं समझ में आया तो देखो ऐसे समझो, एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान है, ठीक बात है। अर्थात एक वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह का व्यापक रूप ये होता है, तो अदिश आव्यूह कहलाता है यदि ए आई जे बराबर जीरो, जब आई जे बराबर ना हो। देखो कह रहा है कि कंडीशन ये है कि ए आई जे जीरो कब हो, जब आई जे बराबर जीरो ना हो, ठीक, आई जे बराबर ना हो, ठीक बात है। जहां आई जे बराबर नहीं है वहां जीरो कर दो, और जहां आई जे बराबर हैं वहां पर कोई संख्या के कर दो। के क्या है, यहां पर कांस्टेंट है, नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूं आपको एग्जांपल के थ्रू। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैंने कहा विकर्ण, देखो यहां पर कहा गया एक विकर्ण आव्यूह होना चाहिए। विकर्ण आव्यूह के लिए क्या है, जैसे मान लो ए आपके पास कोई आव्यूह है, ठीक बात है, विकर्ण के लिए कि यहाँ पर तीन चार पाँच मान लो इस प्रकार से कोई आपके पास अवयव है, ठीक बात है। तो विकर्ण आव्यूह, विकर्ण वाले, देखो विकर्ण आव्यूह में क्या था कि विकर्ण वाले अवयव को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या हों, शून्य हों, यही बात थी आपके पास विकर्ण आव्यूह में, ठीक बात है। तो अब अदिश आव्यूह आ गया, तो यहाँ पर कहा गया एक विकर्ण आव्यूह होना चाहिए, तो विकर्ण वाले अवयव को छोड़कर सभी आपके पास क्या हो गए, सभी अवयव, सभी एलिमेंट जीरो हो गए, अवयव जीरो हो गए, इसका मतलब ये एक विकर्ण आव्यूह है। लेकिन यहाँ पर अदिश आव्यूह के बारे में पढ़ना है, अदिश आव्यूह कह रहा है अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान हैं, ठीक बात है। मतलब विकर्ण के अवयव अगर समान है, मतलब समान का मतलब बराबर, अगर ये तीन है तो ये तीन है तो ये भी आपका तीन ही होना चाहिए, बात क्लियर, ठीक बात है। विकर्ण के अवयव अगर क्या है, समान है, तो क्या होगा मेरे दोस्तों, आपका अदिश आव्यूह कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर विकर्ण के अवयव, अरे माफ करना, विकर्ण के अवयव समान मतलब तीन, अगर यहाँ तीन है तो यहाँ तीन है तो यहाँ भी तीन होगा, यहाँ दो है तो यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो होना चाहिए, मतलब सभी जीरो, लेकिन विकर्ण वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, समान बराबर होने चाहिए, ठीक बात है। अब जैसे यहाँ पर ये तीन क्रॉस तीन का एक वर्ग आव्यूह था, ठीक बात है, तीन क्रॉस तीन का। अब विकर्ण आव्यूह में आप ऐसे भी तो ले सकते हैं, ये क्या हो जाएगा तीन क्रॉस तीन, छोटा आव्यूह अगर दो क्रॉस दो का आप बनाएं तो देखो दो दो, या आप ऐसा करें नहीं तो कन्फ्यूजन में आपके आ जाएंगे। यहाँ पर मान लो पाँच हो गया, यहाँ पर पाँच हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ठीक बात है। तो ये भी तो आपका क्या हो जाएगा, एक अदिश आव्यूह हो जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि जो विकर्ण है ना वो क्या है आपका, विकर्ण वाले अवयव, मान लो ये बी आव्यूह है आपके पास, विकर्ण वाले अवयव समान है, बाकी सभी क्या है, जीरो हैं। तो यहाँ पर आप समझ पाए, आई जे अगर बराबर नहीं है तो जीरो हो, लेकिन अगर आई जे बराबर है तो वहाँ पर के कोई कॉन्स्टेंट संख्या हो सकता है, एक नियतांक हो सकता है, ठीक बात है। बात को समझ पाए, देखो यहाँ पर क्या होता है, ए वन वन अगर बराबर हो गया तो कोई कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर क्या होता है ए वन टू बराबर नहीं है, आई जे बराबर नहीं है तो जीरो हो सकता है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक बात है। जैसे मैंने आपको अभी अभी पढ़ पिछले वाले चार नंबर में आपको समझाया था, ठीक बात है। तो ये आपका हो गया अदिश आव्यूह, हमें लगता है आपको ये भी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक बात है मेरे दोस्तों। ये आपको ऐसे भी बना सकते हैं, एक पाँच हो गया यहाँ पर, ठीक बात है। तो ये भी आपका एक, अब क्या हो जाएगा आपका
अदिश आव्यूह कहलाएगा एक क्रॉस एक का। यहाँ पर आप देखो लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ आप ढूंढ नहीं पाएंगे, ना तो विकर्ण ढूंढ पाएंगे या विकर्ण क्या हो बात के, क्योंकि एक क्रॉस का एक ही एक रो है एक ही कॉलम है, ठीक बात है। तो इसके तह तक नहीं जानते क्योंकि इसको थोड़ा कम समझने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पढ़ना भी नहीं है हमें, तो पढ़ना यही दोनों वर्ग आव्यूही है आपके सिलेबस में, यही दो तक पढ़ना है, दो क्रॉस दो का, तीन क्रॉस तीन का, और आप एलिमेंट बनाते रहें, ठीक बात है। नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं तत्समक आव्यूह, अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट है पेपर में, मतलब आपके सिलेबस में है भी और आपके क्वेश्चंस में भी आपको देखने को मिलेगा। आई से इसको निरूपित करते हैं, ठीक बात है। कह रहा है कि एक वर्ग आव्यूह, मतलब कि तत्समक आव्यूह होने के लिए वर्ग आव्यूह जरूरी, इसका मतलब आप समझ रहे हो वर्ग आव्यूह कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हों, ये आपका एक है, ठीक बात है, विकर्ण के सभी अवयव एक होने चाहिए तथा शेष अन्य सभी अवयव क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, तत्समक आव्यूह कहलाता है। ये पता नहीं कैसी चीज़ लिखी गई है, मैं आपको बताता हूँ समझ के, ठीक बात है। देखो एग्जाम्पल के लिए ये भी आपका अगर एक हो गया यहाँ पर, तो ये भी आपका क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, ठीक बात है। क्या कह रहा है कि विकर्ण, जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हों, तो यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, ये दो क्रॉस दो का क्या हो गया मेरे दोस्तों, तत्समक आव्यूह हो गया, ठीक बात है। जैसे यहाँ पर एक 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 यहाँ कर दो, यहाँ जीरो कर दो, यहाँ जीरो कर दो, यहाँ जीरो कर दो, यहाँ जीरो कर दो, ये भी आपका जीरो हो गया, ये भी आपका जीरो हो गया। तो आप यहाँ पर देख पाए कि ये वन क्रॉस वन का, ये टू क्रॉस टू का, ये तीन क्रॉस तीन का है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर कहा गया एक वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह ये भी है, वर्ग आव्यूह ये भी है, वर्ग आव्यूह ये भी है, विकर्ण के सभी अवयव एक हों। तो विकर्ण क्या हो गया, देखो यहाँ पर एक ही एक रो एक ही कॉलम है, तो यहाँ पर ऐसे ही देखने को मिलेगा कोई भी संख्या लेकिन एक हो यहाँ पर, ठीक बात है, एक हो, एक हो केवल। अब यहाँ पर कहा गया तत्समक आव्यूह में एक होगा, कहा गया है विकर्ण के सभी अवयव एक हों, तो यहाँ पर विकर्ण के अवयव एक, यहाँ पर भी एक विकर्ण आपका, ये तो चलेगा, ये विकर्ण है आपका, ये विकर्ण है आपका, एक हो गया। शेष सभी अवयव शून्य हों, शेष सभी अवयव क्या है, शून्य है, शून्य है, शून्य है, ठीक बात है, तत्समक आव्यूह कह रहा था। ये क्या चीज़ें लिखी गई हैं, देखो वर्ग आव्यूह का यही, वर्ग आव्यूह होगा तभी आपका क्या होना चाहिए, तत्समक आव्यूह होगा। तो वर्ग आव्यूह का व्यापक रूप मैंने ये लिखवाया था। अब देखो ए आई जे, आई मतलब आई मारो जे मा कॉलम, आई जे में क्या है कि आई बराबर जे जहाँ पर है वहाँ पर एक हो। तो देखो यहाँ पर ए वन वन यहाँ पर कहलाता है, ए टू टू यहाँ कहलाता है, यहाँ पर ए थ्री थ्री कहलाता है, ठीक बात है। तो जहाँ आई जे बराबर हो वहाँ एक हो, जहाँ आई जे बराबर नहीं है वहाँ जीरो हो। तो देखो जैसे मान लो यहाँ पर ए वन टू, आई जे बराबर है नहीं, जीरो होना चाहिए। ए वन थ्री, आई जे बराबर है नहीं, जीरो होना चाहिए। तो जहाँ पर आई जे बराबर है वहाँ एक, जहाँ आई जे बराबर नहीं है वहाँ जीरो। यही आपका हो गया व्यापक रूप हो गया मेरे दोस्तों। तो तत्समक आव्यूह हो गया छठवां नंबर। सातवां नंबर आपका बचा है जीरो मैट्रिक्स, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, आपका परिचय खत्म हो जाएगा, ठीक बात है। तो नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट सेशन के बारे में बात करते हैं। आइए दोस्तों लास्ट है आपका शून्य आव्यूह, ठीक बात है, या रिक्त आव्यूह कहते हैं, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक बात है, प्रदर्शित ओ से करते हैं। एक ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है, कोई भी आव्यूह बना दो उसके एलिमेंट जीरो झोंक दो, जैसे आपका आव्यूह है कोई जीरो, ठीक बात है, ये एक क्रॉस एक का हो गया, कोई आव्यूह बना दो 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 चार, माफ करना सभी अवयव क्या कर दो, कोई आव्यूह बना दो दो क्रॉस दो का, ये सभी अवयव शून्य कर दो, शून्य आव्यूह हो गया। जैसे कोई आव्यूह बना दो जीरो 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 जीरो, ये सभी क्या है, शून्य आव्यूह है। एग्जाम्पल के थ्रू जैसे आपका ये तीन क्रॉस तीन का हो गया, कोई आव्यूह चाहे जो अपने मन से, जरूरी नहीं है वर्ग आव्यूह वगैरह हो, कोई आव्यूह बना दो, जैसे ये हो गया जीरो 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 जीरो, ये सभी क्या हैं, देखो ये एक क्रॉस एक का आव्यूह है, ये दो क्रॉस दो का आव्यूह है, एक दो, ये दो क्रॉस तीन का आव्यूह है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तीन क्रॉस तीन का आव्यूह है, एक दो तीन, ये तीन क्रॉस दो का आव्यूह है। मतलब ऐसा कोई ही आव्यूह बना दो जिसके सभी अवयव जीरो हों, शून्य आव्यूह कहलाएगा या रिक्त आव्यूह कहलाएगा, ओ से हम प्रदर्शित करते हैं, बात खत्म, ठीक बात है। तो हमें लगता है मेरे दोस्तों आपको ये शून्य आव्यूह भी समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज हमने प्रश्नावली 3.1 की पूरा परिचय के बारे में बात कर लिया है। तो हमें लगता है आपको ये संपूर्ण नॉलेज हो गया प्रश्नावली 3.1 के बारे में, ठीक बात है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपका 3.1 में हम इसके प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, ठीक बात है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए मेरे प्यारे दोस्तों, इतना बढ़िया मैंने आपको समझाया ना, इतना बेसिक कोई बताता नहीं, पर्चे 10-15 मिनट चलता है, फिर एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। मैंने आपको हर चीज़ क्लियर किया, अगर आपको समझ में आया हो ये क्लास ना, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, मतलब अगर आपके मतलब और दोस्त हैं उनके सब्सक्राइब वगैरह करवा देना हमारे चैनल, क्योंकि मैं आपको अभी देखो स्टार्टिंग है हमारा, तो हम आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। और अगर आपको पुराने लेक्चर्स देखने हैं हमारे 12th वाले, तो आप
प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक बात है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, थैंक यू भाई।